दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी एसओए के बारे में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में कि एसओए क्या होता है, आपको इसके क्या बेनिफिट होते हैं, आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, किन फॉर्म्स में आपके लिए अवेलेबल होता है और आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं। दोस्तों एसओए की फुल फॉर्म होती है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें आपके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जो है समराइज फॉर्म में होती है। ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपके बैंक अकाउंट के बारे में हो सकती है, आपके क्रेडिट कार्ड के बारे में हो सकती है, या फिर आपके लोन अकाउंट के बारे में भी हो सकती है। एसओए के माध्यम से लोन अकाउंट के केस में आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है आपके लोन अकाउंट पे होने वाली एक्टिविटीज के बारे में, जैसे कि आपकी ईएमआई कब जानी है, आपकी ईएमआई का अमाउंट कितना है, आपने अपनी ईएमआई कब पे करी, कितना पे करी, क्या उसमें बैलेंस तो नहीं रह रही है, या फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपकी ईएमआई का कितना था और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा, कोई चार्ज लगा, पेनल्टी वगैरह पड़ी, सारी जानकारी वहां पर आपको दिखती है, जिसकी वजह से आप पता कर पाते हैं कि कहीं आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लग रहे हैं, कहीं आपने अपनी ईएमआई जब भरी है कुछ पैसे कम तो नहीं रह गए जिसमें कि आपको आगे चल के चार्ज पे करने पड़ जाए। लोन अकाउंट स्टेटमेंट के माध्यम से आपको पूरा आइडिया मिल जाता है कि आपकी जो पहली ईएमआई है वो कब गई थी, आखिरी ईएमआई आपको कब देनी है, आपने कितने अमाउंट के लिए लोन लिया है और आपका टोटल टेन्योर कितना है, सारी जानकारी आपके लोन अकाउंट के बारे में आपको इस स्टेटमेंट में मिल जाती है। दोस्तों एसओए आपको दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, या तो ये फिजिकल फॉर्म में प्रिंटेड पेपर हो सकते हैं, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईमेल के जरिए पीडीएफ फाइल या कोई और फॉर्मेट में आपके डिवाइस पे आप उसको देख सकते हैं। इसको आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या फिर आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बजाज फिनजर्व के केस में आप अपने लोन का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। दोस्तों इसके लिए आपको बजाज फिनजर्व के कस्टमर पोर्टल पर जाना होगा। माई अकाउंट में आपको अपनी कस्टमर आईडी और ओटीपी डालकर वहां पर लॉगिन करना रहेगा। इसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है और टाइप ऑफ लोन में चले जाना है। उसके बाद आपको व्यू डिटेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक ई स्टेटमेंट दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करके आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो आप अपने लोन अकाउंट के बारे में काफी सारी जानकारी जो कि आपके लोन अकाउंट की एक्टिविटी से संबंधित होगी उनके बारे में पता कर सकते हैं। सारी जानकारी को आप चेक भी कर सकते हैं कि जानकारी स्टेटमेंट में सही है कि नहीं है, आपने टाइम पर पेमेंट करी है, कितनी पेमेंट आपने करी है, कुछ रह तो नहीं रहा है, कोई चार्ज तो आप पे एक्स्ट्रा नहीं पड़ गया, सारी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। एसओए यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और कस्टमर के बीच में एक पारदर्शिता कायम रहती है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आपको सारी चीजें वहां पे अपने अकाउंट से संबंधित सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आपके साथ में कोई नुकसान होने की संभावना एकदम जीरो हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके एसओए में कुछ चीजें आपके हिसाब से ठीक नहीं है क्योंकि आपने पहले पेमेंट करी है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे बात करके उनको करेक्ट करवा सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है ये जानकारी मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आप किस तरह से अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जिससे कि आपको मदद हो जाएगी कि आप बजाज फिनजर्व के लोन अकाउंट स्टेटमेंट को किस तरह से रीड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, आप उसके टर्म्स जो होते हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं उनको समझ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। इसके बारे में एक डिटेल आर्टिकल भी है, उसके अभी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जाके पढ़ सकते हैं। तो यही जानकारी थी आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।